वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आरएसआर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं एक नई क्लास के साथ में। ये जो क्लास आपका होगा, ये होगा आपका प्रैक्टिस सेशन होगा। जो हमने कॉन्सेप्ट डील किए हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पे हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज सोल्व करेंगे आज के क्लास में। तो फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएँ, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं आज का आपका प्रैक्टिस सेशन। बहुत ही शानदार ये सेशन रहेगा। मेरे पास कुछ जो क्वेश्चन है वो इसी टॉपिक के रिगार्डिंग है, और जो जितना मैंने अभी तक आपको डिस्कस करवाया है उसके क्वेश्चन हालांकि कम बनते हैं, ठीक है। तो अपन उसके बाद में थोड़ा हाइट एंड डिस्टेंस के कल जो कमी क्वेश्चन हो पाए थे, बाकी वो क्वेश्चन अपन डील करेंगे, ठीक है। फटाफट से सारे के सारे बच्चे आ जाएं, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं आज का आपका सेशन। बहुत ही शानदार ये सेशन रहेगा। पहला सेशन अपना बहुत बढ़िया वाला सेशन रहा, जिसमें अपने कॉन्सेप्ट डील किए, ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखे हैं पहले वाले सेशन में। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी लर्निंग ऐप का पता नहीं हो तो उसे बता दूं, आप अपने मोबाइल प्ले स्टोर में जाके, गूगल के प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करिएगा और ऐसा आइकन आपको दिखेगा, आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। और इंस्टॉल करने के बाद में आपको NDA, एयरफोर्स, नेवी, XY ये वाली कैटेगरी आपको चूज़ करनी है, सेलेक्ट करनी है, या तो सर्च गोल या सेलेक्ट कैटेगरी के अंदर ऐसा ऑप्शन आपको दिखेगा, ठीक है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री की PDF दे देंगे, जो भी आपकी PDF बकाया है ना, वो PDF मैं आज डाल दूंगा। टाइम नहीं मिलता है ना थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर में भी एरर है, तो वो कन्वर्ट भी नहीं हो पाती है, बाहर भेजना पड़ता है उसको, है ना। चलो जी, आ जाओ भाई सारे के सारे बच्चे। ये आपके पास, अगर किसी बच्चे को 1 मंथ प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, तो ये आपके पास 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन के चार्जेज हैं। सब्सक्रिप्शन का मतलब है पैसे देकर अगर आप पढ़ना चाहते हो, क्योंकि अनअकैडमी पर जो क्लासेस होती है वो दो टाइप की क्लासेस होती हैं। एक होती है आपकी स्पेशल क्लासेस और एक होती है आपके पास प्लस की क्लासें। प्लस की जो क्लासें हैं वो आपके पास होती है पेड कोर्स में, और स्पेशल जो क्लासें आती है वो आपके लिए टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप ये पैसे वाली क्लास अगर परचेज, आपको इसके लिए कोर्स परचेज करना पड़ता है, तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ के चार्जेज ये हैं। लेकिन अगर आप कोड अप्लाई करते हो, RSR लाइव कोड अप्लाई करते हो, तो इससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और इस एक ही कोड का यूज करके आप इसमें फिजिक्स की क्लास भी ले सकते हो, मैथ्स की क्लास भी देख सकते हो, इंग्लिश की क्लास भी देख सकते हो, रागा का जो पोर्शन है वो भी आप देख सकते हो। एक चीज़ मैं कहूँ, बच्चा प्लस लेने के बाद में हमारे को थोड़ा सा ब्लेम न करें, क्योंकि यहाँ पर मेरी, मतलब मुकेश सर और संजय सर की जो क्लासें हैं ना, वो नहीं होती है प्लस पर, नहीं है अनअकैडमी पर हमारी क्लासें नहीं होती है। हमारी क्लासें ओनली YT पर होती है, YouTube टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जितना भी आपको चाहिए वो हम यहीं पर प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। बच्चे प्लस लेने के बाद में कहते हैं, सर हमने प्लस ले लिया आपके कहने से, वहाँ पे तो आपका नाम ही नहीं दिखा। तो भाई साहब, वहाँ पे हमारा कोई कोर्स नहीं है, वहाँ पे और भी एजुकेटर हैं, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, टीम स्पेस RSR, जहाँ पर हर क्लास का जो लिंक है, जो क्लासेस का लिंक है, कोई अपडेट होता है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है, ठीक है। चलो जी, ये हमारी टीम है, टीम RSR, जो आपके लिए तन मन धन से बिल्कुल दिन रात लगी हुई है, दिन रात एक कर रही है टीम। और इतनी सर्दी के अंदर भी, भयंकर कड़ाके की ठंड में भी, ये वाली टीम आपके लिए सुबह 7:15 बजे से स्टार्ट हो जाती है, तैयार हो जाती है आपके मॉक टेस्ट के लिए। हमारी पूरी क्लासेस का जो टाइमिंग है वो इस प्रकार है, ये हमारी पूरी क्लासें हैं, देख लीजिएगा। मैथ्स की क्लास आपकी 11 बजे होती है, इसका कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस यहाँ पर होती है, ये कॉन्सेप्ट, ये प्रैक्टिस। यहाँ पर आपका है मॉक टेस्ट, 3 क्लासें हैं मैथ्स की। संजय सर की इंग्लिश की बताऊं, यहाँ पे आपका फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट होगा, उसके बाद में आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा, और इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस आपके पास यहाँ पे होगी। तो इसका मतलब हमने तो सर किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी है किसी भी सेक्टर के अंदर, चाहे वो आपके पास चाहे मैथ्स की बात हो या इंग्लिश की बात हो। फिजिक्स के अंदर सर की क्लास चल रही है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लास, और प्रैक्टिस सेशन जो सर का चलता है वो अनअकैडमी पर सुबह 8 बजे, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब जो भी बच्चा क्लास के अंदर आ चुका है, एक बार आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट मुझे चाहिए होगा, उसके बाद में एक एक क्वेश्चन को अपन बहुत अच्छे तरीके से उड़ाएंगे, है ना, बहुत अच्छे तरीके से। चलो जी, लो जी, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला सवाल बच्चा, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आप जवाब दो, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। 1, -2 का YX के सापेक्ष आपको प्रतिबिंब बताना है, Y एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या इसका इमेज बनेगा। बच्चा जवाब देना, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। आपको इमेज बताना है किसके रेस्पेक्ट में, YX के रेस्पेक्ट में आपको इमेज बताना है। बताइए, फटाफट से बताइए, क्या होगा YX के रेस्पेक्ट में इमेज।
हाँ जी, जवाब दीजिए, क्या ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन में सही आएगा? कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन में सही आएगा? बच्चे ने आंसर दे दिया है कि सर वाई एक्सिस के अंदर जब भी मैं इमेज देखूंगा ना कि पॉइंट आपका कहाँ है, सर ये पॉइंट जो आपके पास यहाँ पे होगा, ये पॉइंट आपका यहाँ पर है 1, -2। अगर सर मैं इसका वाई एक्सिस में इमेज देखूंगा तो केवल एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा, एक्स कोऑर्डिनेट का साइन प्लस का है तो माइनस का, और वाई का है, वाई का आपके पास एज इट इज रहेगा, तो -1, -2 क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। बोलो सही है क्या? पहला ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, वाई एक्सिस में अगर आपको इमेज देखना है तो एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सही बात है, आगे बढ़ता हूँ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आपको बताना है इस पॉइंट का वाई एक्स में इमेज, इस पॉइंट का वाई एक्सिस में इमेज दिखाना है सेम एज इट इज फोटो कॉपी पे। हाँ जी, सेम सा ही क्वेश्चन है, सेम सा ही क्वेश्चन है, जवाब देना। आपको इसका वाई एक्सिस में इमेज बताना है, क्या होगा वाई एक्स में इमेज? फटाफट से जवाब देना बेटा, क्या होगा आपके पास इसका वाई एक्सिस में इमेज, क्या होगा? फटाफट से बताओ, इमेज वाई एक्सिस के अंदर कि सर सेम है कि सर 4, -5 है ना, वो यहाँ पे है 4, -5, और इसका अगर आप इमेज देखोगे वाई एक्सिस के अंदर तो यहाँ दिखेगा, जिसमें सर एक्स कोऑर्डिनेट का हम साइन चेंज करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज। ठीक है, अगर बच्चा आपको ऐसा पूछ लिया जाता कि इस पॉइंट का एक्स एक्स में इमेज क्या होता, अगर एक्स एक्स में इमेज पूछ लिया जाए तो जरा ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट का अगर आपको एक्स एक्स में इमेज देखना हो तो वाई कोऑर्डिनेट का आप साइन चेंज कर दो, और वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करोगे तो 4, -5 आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, चाहे तो एक्स एक्स का पूछ लिया जाए, चाहे वाई एक्स का पूछ लिया जाए, अगर मान लो कि मूल बिंदु के सापेक्ष पूछ लिया जाए, मूल बिंदु के सापेक्ष, तो दोनों कोऑर्डिनेटों का जो साइन है वो आपको चेंज करना है -4, -5। ये कॉन्सेप्ट की क्लास में मैंने बता दिया था, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो तो है पहला ऑप्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है पहला ऑप्शन। अगला सवाल, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, मूल बिंदु को 2, -5 पर स्थानांतरित करने पर और अक्षों को समांतर रखने पर बिंदु -5, -3 के नए निर्देशांक क्या होंगे? मैंने एक ही कॉन्सेप्ट बताया जनरल सा। अरे भाई साहब, मिल जाएगी यार पीडीएफ, पीडीएफ दे दूंगा मैं आज, पीडीएफ दे दूंगा। पीडीएफ के लिए कमेंट ना करो, आज मैं पूरी जो पीडीएफ आपकी जो बची हुई है ना, वो पूरी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। ठीक है ना, अब क्वेश्चन पे कंसंट्रेशन करो, क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करो, क्या होगा आपके पास? 2, -5 को मूल बिंदु को इस पॉइंट पे स्थानांतरित कर दिया तो इस पॉइंट के नए निर्देशांक क्या होंगे? जरा देखना, इस पॉइंट के नए निर्देशांक चाहिए, इसका मतलब ये तो पुराना हो गया ना, ये तो पुराना हो गया, और ट्रांसफर्ड जो पॉइंट है वो आपके पास ये है कि इस पॉइंट पर अपन ने ट्रांसफर कर दिया, इसका मतलब नया कोऑर्डिनेट न्यू बराबर क्या होता है? न्यू बराबर होता है ओल्ड माइनस ट्रांसफर्ड। क्या होता है? ओल्ड माइनस ट्रांसफर्ड होता है। ठीक है, ओल्ड कौन सा है? ओल्ड है सर -5, और ट्रांसफर्ड कौन से पे किया? 2 पे। इसका मतलब आपके पास -5, -2 कितना हुआ? -7, और -7 आपको कौन से ऑप्शन के अंदर दिख रहा है? एक्स कोऑर्डिनेट जिसके अंदर -7 हो वो कौन सा ऑप्शन है आपके पास? वो है सर आपका सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। बोलो आया क्या समझ में? आपको क्या लिखना था जरा देखो तो सही भाई साहब। ओल्ड माइनस ट्रांसफर्ड पॉइंट होता है, ओल्ड माइनस ट्रांसफर्ड होता है, ओल्ड माइनस ट्रांसफर्ड होता है, ओल्ड माइनस ट्रांसफर्ड होता है। ठीक है क्या? ओल्ड माइनस ट्रांसफर्ड होता है। ठीक है, चलो जी आगे चलता हूं मैं। आगे वाला जो क्वेश्चन आपका है ये रहा, -3, -4 से दोनों अक्षों पर डाले गए लंबों के पादों के बीच की दूरी क्या है? आपके पास एक पॉइंट दे रखा है -3, -4, उससे फुट डालने हैं दोनों एक्सिस के ऊपर, और फिर उन दोनों फुट के बीच में आपको डिस्टेंस निकालनी है, क्या डिस्टेंस होगी जरा देखना कि सर ये -3, -4 कहाँ पे मानूँ मैं कि सर -3, -4 की जो पोजीशन है वो तो यहाँ पर है सर, -3, -4 यहाँ पे है, -3, -4 यहाँ पे है, तो इस पॉइंट का जो फुट आएगा एक्स एक्सिस पर वो क्या आएगा? -3, 0, और सर इसका जो फुट आएगा वो वाई एक्सिस पर कौन सा आएगा? 0, y आएगा। आपको इन दोनों फुट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, इन दोनों फुट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है ये वाली।
आप निकाल सकते हो आराम से, दोनों फुट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, इन दोनों पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस, हालांकि मैंने दो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला कल डिस्कस करूंगा, लेकिन वो बेसिक सी चीज़ है, आप आराम से कर सकते हो। और क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है सर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस आपका वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर रूट अगर मैं कर दूँ तो ये होती है डिस्टेंस। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपके पास कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी इस क्वेश्चन में। आया समझ में बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, इतना क्लियर हुआ? चलो जी आगे चलते हैं। अगला सवाल, माइनस का 5 कोमा माइनस का 7 कौन से क्वाड्रेंट में है? बिल्कुल सीधा सा को, माइनस का 5 कोमा माइनस का 7 कौन से क्वाड्रेंट में है, बहुत ही सीधा सा सवाल है। हाँ, पांचवी छठी क्लास का बच्चा भी जवाब दे सकता है इसमें। माइनस का 5 कोमा माइनस का 7, माइनस का 5 कोमा माइनस का 7 कौन से क्वाड्रेंट में है? कि सर ऐसे के अंदर दोनों जब माइनस के होते हैं, दोनों जब माइनस के होते हैं वो आता है इसके अंदर, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। तो आपके पास ये जो पॉइंट होगा वो कहाँ होगा, वो होगा सर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। बच्चा आंसर दे रहा है सी ऑप्शन, ठीक है, आधे बच्चे डी भी दे रहे हैं, डी गलत है, सी ऑप्शन आएगा। लो जी आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, आपको बताना है कि ये जो आपके पास पॉइंट लिखा हुआ है ये कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है, जरा देख तो लो इसको। ये लिखा हुआ है आपका पोलर फॉर्म में, किस में लिखा हुआ है, पोलर फॉर्म में, मतलब ध्रुवीय रूप के अंदर लिखा हुआ है, आर कोमा थीटा की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब आर कोमा थीटा की फॉर्म में अगर ये लिखा हुआ है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फटाफट से जवाब दीजिए। एंगल देख लो इसका, एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है उसी क्वाड्रेंट के अंदर पॉइंट आ जाएगा आपका, एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है उसी क्वाड्रेंट में आपका पॉइंट होगा, एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। पहले देख लेते हैं यहाँ पे कि सर 4π/5 को देख लो, बिल्कुल सीधी सी बात है, 4 × π की वैल्यू 180 और 5 का अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 36, सही है क्या, 36 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 144, 144 डिग्री कहाँ होगा, कि सर 144 तो यहाँ पे होगा, 144 तो यहाँ पे होगा, 4π/5 कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो बिल्कुल सही आंसर है, सेकंड क्वाड्रेंट आपका सही आंसर होगा, सही बात है। एंगल को देख लिया करो, एंगल को देख लिया करो बस आप, है ना, क्योंकि ये जो आपके पास होता है ना वो तो आपके पास ऑलरेडी पॉजिटिव होगा, ठीक है। आगे चलिए अगला कवा, अगला सवाल माइनस का π/6 है, अगर कोई एक एंगल आपके पास माइनस में आ जाता है तो आप क्लॉकवाइज की बजाय, क्लॉकवाइज मेजरमेंट करें, एंटी क्लॉकवाइज की बजाय आप जो मेजरमेंट करेंगे वो क्लॉकवाइज। दूसरा तरीका है, अगर आप इसको बनाना चाहते हैं पॉजिटिव तो आप इसके अंदर 2π जोड़ दो, क्या कर जोड़ दो, 2π जोड़ दो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, 2π जोड़ दो इसके अंदर तो आपको पता चल जाएगा कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में है, ध्यान दो क्या होगा, है ना, समझना कि सर माइनस का पाई बाई सिक्स का मतलब है जो एंगल का मेजरमेंट है वो कौन सी घड़ी की दिशा में, मतलब माइनस 30 किधर आएगा, अगर अपन इधर जाते तब एंगल होता आपके पास प्लस का पाई बाई सिक्स, क्या होता, प्लस का पाई बाई सिक्स, लेकिन अगर अपन इधर आते तो आपके पास एंगल क्या होता, माइनस का पाई बाई सिक्स, माइनस का 30। इसका मतलब पहला क्वाड्रेंट ये, सेकंड क्वाड्रेंट ये, थर्ड क्वाड्रेंट ये, और फोर्थ क्वाड्रेंट आपका ये वाला। इसका मतलब आपके पास कौन से क्वाड्रेंट में ये पॉइंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉइंट आपके पास होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉइंट आपके पास होगा। बात समझ में आ गई होगी। आगे चलिए आगे वाला क्वेश्चन, माइनस का 7,10 कौन से क्वाड्रेंट में है? बिल्कुल बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अभी तक मैंने इतना बड़ा ब्रॉड पार्ट इस चैप्टर का नहीं करवाया है, है ना, छोटी छोटी चीज़ें करवाई है। कल की क्लास के अंदर देखिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपन बहुत अच्छे अच्छे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो करेंगे, है ना। चलो जी बताओ फटाफट से कि सर x माइनस का y प्लस का, इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, एक्स माइनस का वाई प्लस का कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। आगे चलो, 2√3, −5 कौन से क्वाड्रेंट में है, 2√3, −5 कौन से क्वाड्रेंट में है, आप जरा देखोगे। अच्छा इसके अंदर ऑप्शन ही गलत लिखे हुए, ऑप्शन गलत लिखे हुए छोड़ो। चलो जी बताओ −5,0 किस x पर आपके पास स्थित होगा, बताइए फटाफट से बताइए, −5,0 कौन सी एक्सिस पर स्थित होगा,
माइनस पाँच कोमा जीरो के, सर माइनस पाँच कोमा जीरो वो मिलेगा आपके पास यहाँ पे, सही है क्या? ये है आपके पास, ये कौन सी एक्सिस है? ये है सर एक्स एक्सिस। तो ध्यान दे लीजिएगा, इस चीज़ को ध्यान दे लेना, जब भी वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है तो पॉइंट होता है एक्स एक्सिस पर, और जब एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है तो पॉइंट होता है वाई एक्सिस पर, ठीक है? तो यहाँ पर वाई जीरो है तो पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? पहला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? आगे चलिए, आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, आपको बताना है कि इस पॉइंट की वाई एक्स से डिस्टेंस क्या होगी, इस पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी, इसका आपको सही आंसर देना है। फटाफट से जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा? चलो जी, बताओ 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 फटाफट से, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा? आपको सात कोमा माइनस पाँच की वाई एक्सिस से डिस्टेंस बतानी है। वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस आपके पास होगी सात कोमा माइनस पाँच की, वो क्या? वाई एक्सिस डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट होता है, बिल्कुल सीधी सी बात, सात। दूसरा तरीका यह है कि सात कोमा माइनस पाँच को पहचानो कहाँ है, कि सर सात कोमा माइनस पाँच यहाँ पर है, सात कोमा माइनस पाँच। तो सर ये सात क्या है? सात है आपके पास ये, और पाँच क्या है? ये, मतलब उल्टा होता है ऐसा, ध्यान रखना। अगर मैं ये वाला पॉइंट देखना चाहूँ तो ये वाला पॉइंट होगा आपके पास क्या? सात कोमा जीरो। अगर मैं इस पॉइंट को देखना चाहूँ वो होगा जीरो कोमा माइनस पाँच। अगर इससे दूरी देखूँ तो दूरी आप कैलकुलेट कर लो, सात आएगी, इससे दूरी देख लो, ठीक है ना? आ गई बात समझ में? ये गलत नहीं होना चाहिए बेटा, है ना? चलो जी, r cos थीटा और r sin थीटा के मूल बिंदु से दूरी बताना है। मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, किस जगह से लाइव क्लास लोकेशन, ये बेटा जयपुर के अंदर है, जयपुर में किशनगढ़ रेनवाल है, जयपुर में किशनगढ़ रेनवाल, वहां से हम ये वाली क्लास लाइव कर रहे हैं। चलो जी, जवाब देना, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर? चलो जी, बताओ 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 फटाफट से, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, मूल बिंदु से दूरी मतलब जीरो जीरो से, तो बिल्कुल सीधा सा सवाल है यार ये तो। दो, अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आपके पास आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इस पूरे का क्या कर लो, स्क्वायर रूट कर लो, है ना? तो यहाँ से अगर आप आर स्क्वायर कॉमन आता है तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर वन हो जाएगा, और आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तो वो कितना आ जाएगा, आर। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हुआ? पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है? पहला ऑप्शन राइट है। लो जी, आगे चलो, आपको बताना है इसकी मूल बिंदु से डिस्टेंस, इसकी मूल बिंदु से दूरी आपको बतानी है क्या होगी, ए साइन थीटा बी कोस थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट है ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा। बोलिए फटाफट से बोलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देना। और लाइक के अंदर तो भाई साहब नई साल का उद्घाटन है, नई साल की शुरुआत, टीचर को डीमोटिवेटेड करते हुए कर रहे हो आप, हैं? किसी एजुकेटर को डीमोटिवेटेड करते हुए इस नए साल की शुरुआत कर रहे हो, मतलब लाइक, बच्चे तो 380 बच्चे लाइव है, और लाइक जो है वो 280 है, इसका मतलब 100 बच्चे तो अभी ऐसे ही बैठे हैं, नींदों के अंदर बैठे हैं। जागो 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 बेटा जागो, लाइक बटन को प्रेजेंट करने में कौन से पैसे रखते हैं। चलो जी, देखना कि आपको अगर डिस्टेंस निकालनी है 0,0 से, तो ये होगा आपके पास ए साइन थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा का स्क्वायर, और ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा आपके पास होगा। आगे बात समझ में, आप जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा आपका ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपके पास बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आपके पास टू ए बी साइन थीटा इंटू कोस थीटा, टू ए बी साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और जब आप उसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आपका बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस आपके पास टू ए बी साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ऐसा। सर ये इससे कैंसिल हुआ, और इन दोनों में से जब अपन ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आपके पास वन हो जाएगा, इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन लिया तो अंडर रूट के अंदर आपके पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है? अच्छा अच्छा, चलो जी, आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, आपको बताना है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अगर 5 इकाई है, हालांकि मैंने डिस्टेंस नहीं बताया है बेटा, लेकिन मैं कल आपको समझा दूंगा, है ना, कल आपको बता दूंगा, लेकिन ये बेसिक चीजें हैं यार, कर लेंगे अपन आराम से इसे क्वेश्चन, ठीक है? चलो जी, हाँ जी, बोलिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। k कोमा माइनस का 2 और 5,3 बिंदुओं के बीच की दूरी 5 इकाई हो तो k की वैल्यू बतानी है क्या होगी, k की वैल्यू आपके पास क्या होगी, फटाफट से बताइए k की वैल्यू आपके पास क्या होगी।
के कोमा माइनस टू, फाइव कोमा थ्री बिंदुओं के बीच की दूरी 5 इकाई हो तो के का वैल्यू क्या होगा? हाँ जी बताइए बताइए फटाफट से बताइए, k कोमा माइनस टू, फाइव कोमा थ्री बिंदुओं के बीच की दूरी अगर आपके पास 5 इकाई हो तो k का मान आपके पास क्या होगा, k का मान क्या होगा फटाफट से। हाँ ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, कोई दूसरे थोड़ी आते हैं। आप अगर आप डिस्टेंस निकालोगे तो वो क्या आएगा आपके पास, k माइनस फाइव का होल स्क्वायर और माइनस दो और माइनस तीन माइनस पाँच का स्क्वायर 25 और इसका स्क्वायर रूट है ना ऐसा, और इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है 5, स्क्वायर करोगे तो 25 ही स्क्वायर रूट आपका हट जाएगा, 25 से 25 कैंसिल तो के बराबर आपका कितना आ जाएगा 5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो गया 5। ठीक है बेटा, एग्जाम में आती हुई चीज़ें गलत होती, आता अपने को सब कुछ है लेकिन अपन हड़बड़ाहट के मामले में गलत कर देते हैं। चलो जी बताना है इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस ए प्लस बी और बी प्लस सी, ए प्लस बी, बी प्लस सी और ए माइनस बी, सी माइनस बी के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? बोलिए जी फटाफट से क्या होगी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी? देखता हूँ मैं सबसे पहले किस बच्चे का आंसर आता है, देखें। चलो जी चलो चलो बोलो 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 फटाफट से क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का सही आंसर? अच्छा गुरुजी शायरी हो जाए हैं। चलो जी आप क्या करो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालोगे तो इसमें से इसको माइनस करो तो इसका मतलब ये बी और ये बी एड होके आपके पास 2b, 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर, इसमें से अगर आप इसको माइनस करोगे तो इसमें c कैंसिल होगा और b क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर, इसका मतलब आपका ये आएगा 8b स्क्वायर का स्क्वायर रूट और वो क्या होगा 2√2b होगा, क्या होगा 2√2b, इसका मतलब आपका जो कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है, डी आंसर आपके पास करेक्ट आएगा, डी आंसर आएगा भाई, डी आंसर आपके पास। पहले में क्या कटेगा, पहले के अंदर आपके पास जब इसमें से इसको आप माइनस करते हो ना तो ए कटेगा, बी माइनस बी प्लस का बी 2b है ना, इसमें से इसको माइनस करोगे तो सी कटेगा, सेम साइन वाले करते हैं और अपोजिट साइन वाला क्या होता है प्लस हो जाता है। ठीक है तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा डी ऑप्शन। अभी भी बच्चे, कई बच्चे बी दे रहे हैं कई बच्चे सी दे रहे हैं, तुक्कों के अंदर आंसर दे रहे हैं, और जब मैंने कैलकुलेट कर लिया है उसके बाद में बच्चों का सही आंसर आना स्टार्ट हुआ है, मतलब गड़बड़ तो है यार, कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है ही। चलो चलो जी आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये तो बिल्कुल सीधा सा है, बेसिक लेवल का सवाल है, बेसिक सा, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक है, क्योंकि इस चैप्टर जितना मैंने अभी तक आपको डिस्कस करवाया है ना उसकी ज़्यादा क्वेश्चंस हालांकि कोई भी बुक में मिलते नहीं है, है ना, बहुत कम बुक्स के अंदर क्वेश्चन मिलते हैं, तो मैंने ये एक वाले क्वेश्चन इंक्लूड किए इस सेशन में। चलो जी जवाब देना, सर इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो 6 माइनस 2 मतलब 4, 4 का स्क्वायर 16, 7 माइनस माइनस ये करेंगे 9, 16, 16 का स्क्वायर आपके पास कितना होगा 256, ऐसा आपके पास आ जाएगा। ठीक है तो इसका मतलब इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास 2 और ये आएगा आपके पास 2 स्क्वायर रूट, ये आएगा भाई साहब है ना, देख लो आप क्या आपके पास आता है, 272 को अगर आप डिवाइड करते हो 2 से तो 136, 2 से इसको आपने डिवाइड कर दिया तो ये आएगा आपके पास कितना, ये आ जाएगा आपके पास 68, फिर 2 से डिवाइड किया तो इसका मतलब 34, फिर 2 से डिवाइड किया इसका मतलब 4√17, 4√17 क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा, सी ऑप्शन सही आएगा। देख लो भाई साहब 16 प्लस 256, 272 का स्क्वायर रूट, और बच्चे गलती कर रहे हैं सर इसमें भी बच्चे गलती कर रहे हैं, सही जो आंसर आपका आएगा सी ऑप्शन आएगा। लो जी आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, इन दोनों बिंदुओं के बीच में दूरी आपको निकालनी है, इन दोनों पॉइंटों के बीच में दूरी आपको निकालनी है, क्या होगा क्वेश्चन में सही आंसर, इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी आपको निकालनी है। बोलो 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 फटाफट से यार, ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट आगे बढ़ो तभी कर पाओगे, अदरवाइज हो नहीं पाएंगे ऐसे क्वेश्चन। हाँ जी जरा देखते हैं कि सर इसमें से अगर अपन इसको माइनस करते हैं अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 गया, सेम साइन वाले करते हैं, अपोजिट साइन वाले ऐड होते हैं
तो माइनस दो और माइनस एक, माइनस तीन का स्क्वायर नौ, इससे आपका ये कटेगा, दो प्लस एक तीन, तीन का स्क्वायर नौ, और ये आपके पास कितना आ जाएगा, तीन अंडर रूट दो। क्या आएगा बोलो, तीन अंडर रूट दो आपके पास क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिएगा और जवाब दीजिएगा, क्या होना चाहिए क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होना चाहिए क्वेश्चन का सही आंसर, फटाफट से बोलो। आपको बता रखा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट लेमडा कोमा फोर और एक आपके पास पॉइंट है वन कोमा सेवन, इन दोनों पॉइंटों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, पाँच इकाई है, तो लेमडा की वैल्यू बतानी है कितनी होगी, लेमडा की वैल्यू आपको बतानी है कितनी होगी, फटाफट लेमडा की वैल्यू बताओ कितनी होगी। बहुत ही सिंपल है, और कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा समझिएगा कि सर इन दोनों पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे तो लेमडा माइनस वन का स्क्वायर और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो तीन का स्क्वायर नौ बराबर आपके पास पाँच का स्क्वायर पच्चीस, इस नौ को आपने इधर ट्रांसफर किया तो वो कितना आएगा सोलह, इसका मतलब आपके पास लेमडा माइनस वन का स्क्वायर बराबर आया चार का स्क्वायर, तो इसका मतलब लेमडा माइनस वन इक्वल टू प्लस माइनस फोर आ जाएगा। सही बात है, लेमडा की वैल्यू एक बार तो प्लस का साइन यूज करोगे तो फाइव आएगा, जब माइनस का साइन अगर आप यूज करते हो तो माइनस का थ्री आएगा। पाँच कोमा माइनस तीन, पाँच कोमा माइनस तीन क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे चलो, आगे वाला सवाल ये रहा, आपको दे रखा है कि इन दोनों पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, इन दोनों पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, क्या होगी डिस्टेंस, ए कोस एल्फा, ए साइन एल्फा, ए कोस बीटा और ए साइन बीटा, इन दोनों पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। ये क्वेश्चन एनडीए के अंदर आया हुआ है भाई, ये क्वेश्चन एनडीए का सवाल है, एनडीए के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया था और ये 2019 का सवाल है शायद, देख लेना मैच करके, शायद 2019 का सवाल, शायद 2019 का है, 2019 सेकंड का सवाल होना चाहिए, सही है क्या। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सर इन दोनों पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको माइनस, तो ए सब के अंदर ए को बाहर निकाल दो पहले, ए बाहर आएगा और ये होगा आपके पास कोस अल्फा माइनस कोस बीटा का स्क्वायर, और दूसरा जो आपके पास आएगा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का होल स्क्वायर, ऐसा आएगा, और इस पूरे का आपके पास आएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, कोस अल्फा माइनस कोस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस का टू साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू और साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू। ठीक है, ये आपके पास होता है माइनस का टू साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू और साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू और स्क्वायर है तो आप क्या लगा दो स्क्वायर। दूसरे के अंदर साइन अल्फा माइनस साइन बीटा है जो क्या होता है टू कोस अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू और साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू, बस यहीं से अंदाज़ा लगा लो, यहीं से अंदाज़ा लगा लो। आपके पास ये पूरे का स्क्वायर रूट रहा और ये ए बाहर था, जरा देखिएगा कि माइनस दो का स्क्वायर है और माइनस दो का स्क्वायर, तो इस दो को भी निकालो बाहर, दो बाहर आ गया। अब इनमें से कॉमन क्या आएगा, कॉमन ये वाला आएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, इसका मतलब आपके पास टू ए साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू, ये तो बाहर आएगा और इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जुड़ के कितना हो जाएगा प्लस। तो ऐसे ध्यान रखा करो, इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वही आंसर है, साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू कहाँ बच रहा है, ये बच रहा है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर आएगा, डी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन में राइट है, डी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन में राइट है। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप अल्फा के बराबर 60 ले सकते हो, बीटा के बराबर कोई एंगल ले लो 30 ले लो, है ना, उससे भी ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, चलो जी आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, आगे वाला सवाल ये आ चुका है आपके, ये आ चुका है। अगला सवाल देखना, ए लाइन सेगमेंट ए बी इज इन द लेंथ ऑफ 10 एंड इट्स वन एंड, आपको दे रखा है एक 10 ए बी है आपके पास एक रेखाखंड, और इस रेखाखंड की जो लंबाई है वो 10 है, और ये जो ए पॉइंट है इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है 3.7 है, और इफ द बी पॉइंट एबसीसा, एबसीसा दो पॉइंट होते हैं भाई, यार समझना, एबसीसा अगर अपन लिखते हैं ना एक्स कोमा वाई, ऐसा लिखते हैं एक्स कोमा वाई, तो ये जो पॉइंट होता है एक्स कोऑर्डिनेट एबसीसा, एबसीसा, और ये जो होता है वाई, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट बोलते हैं, इंग्लिश वालों समझ लो, काफी बच्चे क्या कर देते हैं ऑर्डिनेट को इधर कर देते हैं, एबसीसा को इधर कर देते हैं, तो ध्यान रखो
एब सीसा का जो पहला लेटर है ए, ऑर्डिनेट का पहला लेटर क्या है ओ, इन दोनों में से अल्फाबेट में पहले कौन सा आता है ए, तो उसको अपन पहले कहेंगे मतलब एक्स कोऑर्डिनेट। इसका मतलब आपके पास इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो माइनस पाँच है और आपको दूसरा कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है लेमडा मान लिया, ठीक है। चलो जी बताओ क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन में सही आंसर, क्या होगा आपको बताना है क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। ए बी रेखाखंड की लंबाई 10 है, पहला पॉइंट आपके पास 3.7 है और दूसरा पॉइंट माइनस 5, लेमडा है, लेमडा की वैल्यू निकालो और वही आपके पास क्या होगा इस बी पॉइंट का ऑर्डिनेट मतलब कोटि। हाँ जी बताओ फटाफट से। हाँ जी समझना, इन दोनों के बीच में अगर अपन डिस्टेंस निकालेंगे 3-5 मतलब 8, 8 का स्क्वायर प्लस आपके पास 7- लेमडा का स्क्वायर बराबर आपके पास 10 का स्क्वायर कितना 100, 8 का स्क्वायर 64 अगर इधर से माइनस करते हैं तो 36 और 36 का मतलब 6 का स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब 7- लेमडा जो है वो आएगा ±6 के बराबर, क्या आएगा ±6 के बराबर। एक बार प्लस का 6 लूंगा तो लेमडा बराबर आएगा 1, एक बार माइनस का 6 लेंगे तो लेमडा बराबर आएगा 13। इसका मतलब 13 और 1 कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपके पास राइट है ना, बी ऑप्शन राइट है। लो जी इसके क्वेश्चन तो पूरे हो चुके हैं बेटा, जितना मैंने आपको कोऑर्डिनेट का पार्ट पढ़ा है ना उसके तो क्वेश्चन कंप्लीट है। कुछ मेरे पास जो क्वेश्चन है वो है आपके हाइट एंड डिस्टेंस के, तो वो भी मैं आपको सोल्व करवा देता हूँ। 30 मीटर लंबी सीढ़ी 15 मीटर ऊंची दीवार के सहारे इस तरह खड़ी है कि इसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रहा है, सीढ़ी भूमि के तल से कितना कोण बना रही है। ध्यान दीजिएगा और बताइएगा क्या होगा, कल मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाई थी आपकी इसकी, ठीक है। चलो जी बोलो भाई साहब, इस वो क्या है कि सर ये जो चीज़ें मैंने आज आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाया है ना उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलेंगे, ठीक है ना, या ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। तो जो अपन कल कॉन्सेप्ट करवाएंगे उसके तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बोलो भाई साहब क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर, जरा देखना कि सर 30 मीटर लंबी सीढ़ी है, ये तो है आपके पास दीवार और सीढ़ी जो होती है वो हमेशा हाइपोटेनियस होता है, ये क्या है सीढ़ी है, ऐसी सीढ़ी है और क्या दे रखा है 30 मीटर लंबी सीढ़ी और 15 मीटर ऊंची दीवार, ये 15 मीटर ऊंची दीवार है तो सीढ़ी इस भूमि से कितना एंगल बनाती है ये आपको निकालना है। जरा देखना कि सर अगर ये थीटा है आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों दे रखा है तो साइन थीटा वाला केस लगा लो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा, क्या आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा, पहला ऑप्शन आपके पास राइट है, है ना। चलो जी अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 150 मीटर जाता है, तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई कितनी होगी बताइए। एक वायुयान क्षैतिज जल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 150 मीटर जाता है, जमीन से वायुयान की ऊंचाई, क्या पूछा आपको, आप जरा समझना कि हेलीकॉप्टर है, यहाँ पर हेलीकॉप्टर है और ये हेलीकॉप्टर जो उड़ रहा है वो 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए उड़ रहा है, ये 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए एरोप्लेन इधर उड़ रहा है और आपको क्या बताना है कि ये 150 मीटर इसने उड़ान भर ली, 150 मीटर इसने उड़ान भर ली, अब इसकी आपको हाइट बतानी है, ये वाली हाइट कितनी होगी, ये वाली हाइट आपके पास कितनी होगी बताइए फटाफट। अरे कुछ ही क्वेश्चन नहीं है थोड़ा सा, है ना, जल्दी फ्री कर दूंगा आज। चलो जी बताओ आपके पास क्या होगा कि सर ये वाली हाइट आपको अगर निकालनी है तो साइन 30 इक्वल टू आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ऐसा, इसका मतलब h जो होगा आपके पास क्या होगा 75 मीटर होगा, h बराबर आपके पास 75 मीटर और वो कौन सा ऑप्शन आएगा आपका सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आगे चलता हूँ मैं, आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, उस पतंग की डोरी की लंबाई क्या है जो क्षैतिज तल के साथ में 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग है ये, पतंग है, मान लिया कि पतंग आपके पास ऐसी है, ठीक है, और इस पतंग के साथ में एक धागा बंधा हुआ है, ये 30 डिग्री का एंगल बनाती है, ये 30 डिग्री का यहाँ पे एंगल बन रहा है और क्या दे रखा है 75 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है, 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, तो आपको बताना है क्या कि पतंग की डोरी की लंबाई, पतंग की डोरी और सीढ़ी ऐसे जो केस होते हैं वो हाइपोटेनियस होते हैं, बताओ।
क्या होगा आपके पास हाइपोटेन्यूस निकालना है, बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है। चलो जी आपको मैं रिमाइंड करवा देता हूँ एक चीज़ फिर से, कि मैंने आपको कल आपको 30-60 वाले केस बताए थे। 30 के केस के अंदर ये 1 होता है, ये रूट 3 होता है, और ये क्या होता है 2 होता है। इससे कर लो आ जाएगा आराम से। आप कंपेरिजन करो इससे कि 1 यूनिट के बराबर 75 है, आपको ये निकालना है तो इसकी यूनिट कितनी है 2 है। 1 यूनिट बराबर 75 है तो 2 यूनिट बराबर कितना होगा कि सर 150 मीटर होगा। कितना होगा 150 मीटर होगा, ठीक है। आगे चलो जी, आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, जब सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री हो जाती है तो एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की छाया 6 मीटर बढ़ जाती है। पहले तो थी कितनी 60 डिग्री, कि जैसे मान लो कि ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ आपके पास है यहाँ पे है और आपके पास सन यहाँ पे है। पहले तो जो इसका एंगल बनता था ना वो 60 डिग्री बन रहा था। जब इसका एंगल 60 डिग्री बनता है, 60 डिग्री जब बनता है एक बार तो 60 डिग्री, जब आपके पास ये सूरज ऊपर चला गया है ना, चलो मान लो कि नीचे आया, नीचे आया तो इस स्तंभ की जो छाया है वो बढ़ रही है, बढ़ रही है ना, तो नीचे आएगा सूरज और तब एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री, और ये जो छाया बढ़ी है वो कितनी है 3 मीटर है। तो आपको इस स्तंभ की ऊंचाई बतानी है कितनी होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आपने कल की क्लास में लॉजिक सीखे है ना, लॉजिक का मैंने कल की क्लास में आपको बताए थे, अगर वो सीखे हैं आपने तब बहुत सिंपल है, अदरवाइज हार्ड लगेगा। कैसे समझना कि सर 30 और 60 वाला केस है, और 30 और 60 वाले केस में क्या गणित होती है वो लिख देता हूँ मैं। 30 और 60 वाले में, 30 और 60 वाले के अंदर सर ये वाला जो केस है स्क्वायर रूट 3 होता है, यहाँ से यहाँ तक ये आपके पास 1 होता है, ये जो पूरा है वो आपके पास 3 होता है, और ये आपके पास 2 यूनिट होता है। ये ग्रीन मार्क जो मैंने कर रखा है ना, ये आपके पास स्टैंडर्ड केस है। अब स्टैंडर्ड में जो गिवन है वो देखो कि सर ये दे रखा है स्टैंडर्ड में हमारे को, और ये हमारे को कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब है कि 2 यूनिट बराबर आपका कितना है 6, इसका मतलब 1 यूनिट बराबर कितना होगा कि 1 यूनिट बराबर होगा आपका 3, 1 यूनिट बराबर 3, कितने यूनिट निकालना है अंडर रूट 3 यूनिट बराबर 3 अंडर रूट 3। क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हुआ सी, है ना, सी ऑप्शन। ये देखते ही बन जाते हैं आराम से, ये केस याद रहने चाहिए। कल मैंने हाइट एंड डिस्टेंस की क्लास ली थी, उसके अंदर देख लेना जाके, और एक ही क्लास में सारे कॉन्सेप्ट आपके कवरअप हो जाएंगे। अगला सवाल सेम ही क्वेश्चन है, केवल लैंग्वेज का फर्क है। एक मीनार अपनी जड़ की सतह से के किसी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, उस बिंदु से 50 मीटर पीछे हटने पर वह 30 डिग्री का कोण बनाती है, मीनार की ऊंचाई आपके पास क्या है। सेम केस, ये मीनार है और यहां पर एक पॉइंट दे रखा है, ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री, और अगर अपन यहां से 50 मीटर डिस्टेंस पर पीछे जाते हैं, ये 50 मीटर चल दिए, तो ये जो एंगल बनता है वो कितना बन रहा है कि सर वो बन रहा है 30, है ना, 30 बनता है। तो मीनार की ऊंचाई आपको बतानी है, मीनार की ऊंचाई आपके पास क्या होगी, ये पूछा है, मीनार की ऊंचाई क्या होगी। अरे ये कुछ क्वेश्चंस रह गए थे अपने, बस ये द एंड होने वाला है इसका, है ना। चलो जी सर स्टैंडर्ड केस देखो, स्टैंडर्ड केस में ये अंडर रूट 3 होता है, ये 1 होता है, ये 2 यूनिट होता है। लास्ट क्वेश्चन है कि सर 2 यूनिट बराबर 50 है तो 1 यूनिट बराबर 25 और अंडर रूट 3 यूनिट बराबर 25 अंडर रूट 3, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, ठीक है। चलो जी आज का काम आपका खत्म है, क्योंकि आज क्वेश्चन बहुत कम थे। आज आप एंजॉय करिएगा, न्यू ईयर को सेलिब्रेट करिएगा। आज केवल 40 मिनट की ही क्लास है, क्योंकि अपने पास क्वेश्चन नहीं थे इतने, है ना, क्योंकि जो पोर्शन मैंने पढ़ाया उसी के क्वेश्चन कराता हूं मैं, और ये थोड़े से क्वेश्चन बचे हुए थे कल के तो मैंने करवा दिए। तो ध्यान रखिएगा 4 PM पर संजय सर का क्लास आएगा, बहुत ही अच्छा क्लास होगा, कॉन्सेप्ट के साथ में वोकैब, ठीक है, वोकैब की क्लास होगी, तो उस क्लास में मिलते हैं, ठीक है। हाँ जी चलो जी फटाफट से, अच्छा जो भी बच्चे आज की क्लास कॉन्सेप्ट की क्लास अगर नहीं देखे हैं तो वो कॉन्सेप्ट की क्लास देख लेना, पॉइंट नंबर 1 क्योंकि वहां से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। आपका प्यार एंड सपोर्ट क्लास के अंदर मुझे दिख जाना चाहिए, और वो क्लास सेव होने के बाद में।